जाने माने रैपर बादशाह ने अपना नया गाना गोकिको को लॉन्च किया। गोकिको गाना सोनी ये के एनिमेटेड कैरेक्टर किको पर बेस्ड है। लॉन्चिंग के मौके पर किको के साथ बादशाह डांस करते नजर आए। चलिए जानते हैं कि उन्हें इस गाने को बनाने में कितना टाइम लगा। गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि अगर इस खिलौने की कंपनी का मालिक मेरे को बना दे तो मैं कितने अच्छे अच्छे खिलौने बनाऊंगा ना। तो मैं अभी भी वही बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ें बनाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई यू नो एक कनेक्शन है मेरा किड्स के साथ। सो ये जब हम लोग ने गाना बनाया, हमने जब आपको अप्रोच किया बिकॉज वी न्यू दैट यू वर सो ग्रेट विद किड्स एंड ऑल, सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट इनटू क्रिएटिंग अ सॉन्ग लाइक दिस। मैं सच में बहुत एक्साइटेड था बिकॉज किको एक ऐसा सुपर हीरो है जो आई थिंक हर बाहर का तो मुझे पता नहीं लेकिन इंडिया का हर बच्चा बनना चाहता है। बहुत स्मार्ट है, स्वैग है, एक गाड़ी है बहुत सही सी और घड़ी है बहुत सही और उसमें से गाड़ी निकलती है। तो आई थिंक ये मेरे भी शौक हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो और मतलब मेरे लिए आई थिंक बहुत ईजी हो गया था किको के कैरेक्टर में आना और उसके लिए गाना लिखना। एंड जो मेरे स्किल्स हैं, फिर राइटिंग स्किल्स हैं, जो म्यूजिक स्किल्स हैं, मैंने वो यूज़ किए। आई मेड श्योर कि गाना सबको अच्छा लगे। तो मेरे घर में बड़े लोग भी गा रहे हैं, मेरे सोनी के ऑफिस में भी सारे लोग गा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी इजी सॉन्ग, सबको याद हो जाता है इजीली। एंड आई थिंक दैट्स द की। गाने को मुझे कंसेप्चुलाइज करने में 10-15 दिन लगे और उसके बाद बनाने में आई थिंक 5 दिन लगे। बच्चों के साथ आपका काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था और आप बचपन में कितने शरारती थे? आजकल के बच्चे बहुत शरारती, बहुत तेज हैं। मैं तो इतना शर्माता था, मैंने तो एक बार टॉयलेट की क्लास में कर दिया था, पूछा ही नहीं कि मैं जाऊं बाहर। सच्ची बात है ये। वेल, बादशाह के बाकी गानों की तरह ये गाना भी फैंस की जुबान पे चढ़ जाएगा।